भारत के देशवासियों नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र कोरपे, पचन संस्था सर्जन और दूरबीन परीक्षक। मैं अकोला जिला कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष भी हूं। आप सबको आज 8 नवंबर 2020 को नोटबंदी की चौथी वर्षगांठ की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों और देशवासियों, ये नोटबंदी ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की सोची समझी चाल थी। उन्होंने नोटबंदी की और आप सब लोग बैंक के कतार में लग गए। आपने जितना पैसा बैंक के कतार में लग के बैंकों में जमा किया, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने अपने पूंजीपति मित्रों का कर्जा माफ़ करने में नरेंद्र मोदी ने पूरा पैसा उसमें लगा दिया। आप मुझे बताइए, आपने कभी अदानी अंबानी को नोटबंदी के बाद में बैंक की कतार में आपने देखा? कभी नहीं देखा। वो नोटबंदी की बैंक की कतार में 80 लोगों की जाने गई। मित्रों, ये नोटबंदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की सोची समझी साजिश थी और अपने पूंजीपति मित्रों का कर्जा माफ़ करने की साजिश थी। आप मुझे बताइए कि 500 का नोट और 1000 का नोट उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार नष्ट करेंगे। अब आप मुझे बताइए, 1000 के नोट के जगह उन्होंने 2000 का नोट निकाला तो भ्रष्टाचार करना और आसान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम परदेश से काला धन लाएंगे, आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। जिसके खाते में 15 लाख रुपए आए हों वो कृपया मेरे से संपर्क करें, ऐसी मेरी विनंती है। उन्होंने कहा आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। जब जब अपने देश में चुनाव होता है तब तब अपने देश में पुलवामा होता है। पुलवामा भी नरेंद्र मोदी करा के लाते हैं। तो अपने को सबको समझना चाहिए। जिस तरह बिहार की जनता ने समझा है कि महागठबंधन सरकार बिहार में आ रही है, जिस तरह मध्य प्रदेश की जनता ने समझा है कि 28 सीटों में से 2800 सीटें ये कांग्रेस की चुन के आ रही है, आप सबको हमको समझ लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ये फेकूलाल है, झूठूलाल है। इसको अपने को सबको मिला के 2024 की लोकसभा में भाजपा और उसके मित्रों को अपने को हराना है। और आप से मेरा नम्र निवेदन है कि मैं जैसा इतना 13 देशों में मेरा शिक्षण हुआ, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी का मैं सैनिक हूँ। आप भी मेरे जैसे कांग्रेस पार्टी के सेवक बनिए। इतना नम्र निवेदन करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। ऑफ करने ऑफ कर ऑफ कर ऑफ कर ऑफ नहीं खेलेगा।